जल रहा था कुमाऊं का प्रवेश द्वार। आखिर किसने की हल्द्वानी को आग में झोंकने की साजिश? कौन था आरोपी? किसने उठाए पत्थर? आखिर क्या है हल्द्वानी हिंसा के पीछे की पूरी सच्चाई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हल्द्वानी यानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ये शहर एक बार फिर उस इलाके को लेकर चर्चा में है जहां पिछले कुछ वक्त में कई बार अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन का अमला पहुंचा तो पर अदालतों के आदेश पर वापस लौट आया। खैर इस बार प्रशासन जब एक अवैध मदरसा हटाने पहुंचा तो हालात बेकाबू हो गए। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला समझाएं, ये जान लीजिए कि हिंसा की आग में जल रहे हल्द्वानी के आरोपी जावेद सिद्दीकी, उवेस राणा, महबूब आलम, जीशान परवेज, अबू तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साजिश के पीछे और कौन से मास्टरमाइंड है ये जानने के लिए एजेंसियां डटी हुई हैं। दरअसल बनभूलपुरा में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम अवैध मदरसा और धार्मिक स्थल को तोड़ने पहुंची। उसाई भीड़ ने टीम पर पथराव और आगजनी की थी। हमले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना 8 फरवरी की है, जब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। सीएम पुष्कर धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के तुरंत आदेश दिए थे। जितना इसके बारे में खराब कहा जाए उत्तम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया, पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोबी से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरह से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, यदि संबंध जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाए। शूट एट साइट का भी आदेश आ गया था। सभी जगह इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। एसएसपी ने बताया कि अवैध निर्माण का कार्य अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था, जो इस केस में नामजद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी कोतवाली जाकर घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि घटना में घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारों को टारगेट कर पीटा गया उनका नाम पूछकर। उत्तराखंड के हल्द्वानी को जलाने की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। इसको लेकर खुफिया एजेंसी ने स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन प्रशासन ने उसको नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हल्द्वानी में बड़े स्तर पर हिंसा भड़क गई। राज्य के गृह विभाग के सूत्रों ने कहा कि दंगा भड़काने के बाद सीएम धामी द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बुलाई गई बैठक के दौरान ये मुद्दा उठा है। हफ्ते भर पहले ही इंटेलिजेंस ने प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद और मदरसे को हटाने की कार्रवाई को लेकर अब्दुल मलिक के साथ मुस्लिम संगठन और कट्टरपंथी लोग विरोध कर सकते हैं। एजेंसी ने बनभूलपुरा विवादित स्थल पर विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचित भी किया था। एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि हिंसा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रह सकते हैं। इस रिपोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद और अब्दुल मलिक की कुमाऊं कमिश्नर से बातचीत का जिक्र भी था। अब्दुल मलिक ने प्रस्तावित अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कहा था। रिपोर्ट में कार्रवाई के दौरान विरोध को लेकर फोटोग्राफी, पीएसी तैनाती, अतिक्रमण को तड़के हटाए जाने जैसे तरीकों को भी अपनाने की सलाह दी गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर हर बिंदु पर लापरवाही दिखी, जिसका नतीजा हल्द्वानी हिंसा रहा। बनभूलपुरा में हुए अग्निकांड में सरकारी संपत्ति, नगर निगम और पुलिस की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। निगम ने अपना आंकलन करीब 5 करोड़ बताया। 1 करोड़ की सरकारी और पुलिस की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रहेगा।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे और 15 दिन के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शनिवार को कर्फ्यू बनभूलपुरा तक सीमित करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि कर्फ्यू अब समूचे बनभूलपुरा क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जिसमें आर्मी छावनी वर्कशॉप लाइन समेत तिकोनिया तीनपानी और गोलापार बाईपास की परिधि का क्षेत्र शामिल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।